नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी। कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत से ऑनलाइन फ्रॉड की कोशिश हुई है। आरोपी ने भाजपा का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनकर कॉल किया था। 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। रावत ने क्राइम ब्रांच में शिकायत कर दी। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी मध्य प्रदेश का ही रहने वाला है। 19 जुलाई को वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र से शिकायत की थी। उनके निर्देश पर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में रावत ने बताया कि कुछ दिन पहले मोबाइल नंबर 9285127561 से कॉल आया था। कॉलर ने खुद को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डी संतोष का पर्सनल सेक्रेटरी बताया। कॉलर ने कहा, विजयपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में आपके लिए कुछ लोगों की व्यवस्था करा देंगे जो आपका पूरा काम देखेंगे। हर व्यक्ति के हिसाब से 5 लाख रुपए लगेंगे। 2-3 बार तो रावत ने टाल दिया, लेकिन कॉलर का कई बार फोन आया। रावत ने बताया कि कॉलर ने किसी अन्य शख्स से भी बात कराई। उसने खुद को भाजपा का संगठन महामंत्री डी संतोष बताया। वह धीरे धीरे गंभीर आवाज में बात कर रहा था। हालांकि शक तो उसी वक्त हो गया था जब उसने संगठन महामंत्री का नाम गलत बताया, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष है। रावत विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। उनके इस्तीफे के बाद वहां उपचुनाव होना है। 8 जुलाई को मंत्री बनने के बाद उनसे पैसे की मांग करने वाले चुनाव के लिए पैसे मांग रहा था। रावत ने बताया कि कॉलर कह रहा था कि चुनाव में आपकी मदद करते रहेंगे। रावत ने अपने स्तर पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री की ओर से ऐसा कोई कॉल नहीं किया गया है। रावत को पूरी बात समझ आ गई। इसके बाद उन्होंने शिकायत की। क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं, जबकि वन मंत्री रावत से पैसे मांगने वाले ने खुद को डी संतोष का पीए बताया। वहीं जिस दूसरे शख्स से बात कराई उसने डी संतोष बनकर बात की।